दक्षिणी जिले की होजखास थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए किडनी रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने ऑटो टेक्नीशियन, दो डॉक्टर समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गोरख धंधे को चला रहे थे। किडनी डोनेशन के नाम से अलग अलग पेज बनाए हुए थे। आरोपी गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनको चंद रुपए का लालच देकर उनकी किडनी निकाल कर बेच रहे थे। आरोपी अभी तक करीबन 20 लोगों की किडनी निकाल चुके हैं। दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त बेनिटा मेरी जेकर ने बताया कि होजखास थाने को 26 मई को सूचना मिली थी कि होजखास इलाके में किडनी रैकेट चल रहा है। ये गिरोह जरूरतमंद व गरीब लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और चंद रुपए का लालच देकर उनकी किडनी बेच देते हैं। इसके बाद उसे जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों पर बेच देते हैं। सूचना के बाद होजखास थाना अध्यक्ष शिवानी सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर भरतलाल, इंस्पेक्टर रोहित वे एसआई दीपक की विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम को पता लगा कि गिरोह के सदस्य डोनर को मेडिकल जांच के लिए होजखास में लैब में लेकर गए हैं। इसने लैब के पास पिंटू कुमार यादव मिला। उसे सरबजीत और विपिन पेट दर्द के बहाने लेकर आए थे। बाद में जब पिंटू को पता लगा कि उसकी किडनी निकाली जाएगी तो वह मौके से चला गया। होजखास थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।